सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एनालिसिस बेसिक्स। वॉल्यूम एक ऐसा डेटा है जो काफ़ी ट्रेडर्स यूज नहीं कर पाते हैं, खास करके वो ट्रेडर्स जो हाल फिलहाल में मार्केट में आए हैं वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये टॉपिक आज लेकर आया हूँ ताकि आप वॉल्यूम के बारे में सीखें और उसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकें। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉल्यूम को क्यों पढ़ा जाए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, फिर हम आगे चल के देखेंगे अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम बार्स, वॉल्यूम बार्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे इंटरप्रेट किया जाए, उसके बाद हम देखेंगे कुछ पॉपुलर वॉल्यूम इंडिकेटर्स, उसके आगे जाके हम स्कैनर्स बनाएंगे वॉल्यूम इंडिकेटर्स और वॉल्यूम को यूज करके, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेंड कन्फर्मेशन कैसे किया जाए वॉल्यूम का इस्तेमाल करके, फिर हम कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे वॉल्यूम को लेकर के, और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। हमारा पहला टॉपिक है व्हाई स्टडी वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्यों पढ़ा जाए। तो वॉल्यूम जो है एक लौता इंफॉर्मेशन है प्राइस के अलावा, अगर आप स्पेशली स्पॉट मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वॉल्यूम डेटा। वॉल्यूम इंडिकेटर्स जो है वो हमारी मदद करते हैं वॉल्यूम को पढ़ने में, और वॉल्यूम क्या सिग्नल्स दे रहा है, क्या बता रहा है वॉल्यूम्स, उसको और डिटेल में इंटरप्रेट करने में। हाई वॉल्यूम जो है वो आपको बताता है कि इस स्टॉक में मास पार्टिसिपेशन है या फिर स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट है इस स्टॉक में, तभी जाकर के किसी भी स्टॉक में हाई वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम डेटा है जो आपको हेल्प कर सकता है ट्रेंड को, ब्रेकआउट को, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पैटर्न्स को कंफर्म करने में, क्योंकि जब मास पार्टिसिपेशन रहता है, जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं उसमें या फिर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, तो इन सब के कन्फर्म होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे कि एक ट्रेड क्या होता है। एक ट्रेड के होने के लिए बोथ पार्टीज जो हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेटल करनी चाहिए। एक कमोडिटी या एक स्टॉक होना चाहिए जो एक पार्टी बेचना चाहती है और एक पार्टी खरीदना चाहती है, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे दोनों कंफर्टेबल हैं इसको एग्जीक्यूट करने में। तो जब ये अकर करता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को शेयर देती है और दूसरी पार्टी उन्हें पैसा देती है उस शेयर के बदले में, तो हम कहते हैं कि ट्रेड हुआ है। अगर कोई आदमी दूसरे आदमी को एक शेयर बेचता है तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम एक से बढ़ गया है उस स्टॉक का उस दिन। मान लीजिए कि आज मार्केट खुलते ही ICICI बैंक का एक शेयर किसी ने किसी इन्वेस्टर या ट्रेडर को बेचा, मतलब उसका जो वॉल्यूम है आज का वन होगा। इसी प्रकार जैसे जैसे ट्रेड होते रहते हैं, बाय सेल चलता रहता है दिन भर में, तो वॉल्यूम्स को ऐड कर दिया जाता है। सिमिलरली 5 मिनट 15 मिनट में कितने ट्रेड हुए हैं पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम में, उसको लेकर के उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का वॉल्यूम डिसाइड किया जाता है। वॉल्यूम्स जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी देखा जाता है और उनके एनालिसिस में भी काफ़ी यूजफुल रहता है। जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वॉल्यूम दिखता है आपको, वो रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक लॉट, जबकि कैश मार्केट में एक वॉल्यूम का मतलब होता है एक शेयर। वॉल्यूम बार्स, तो जैसा कि हम यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, ये वॉल्यूम बार्स है और वॉल्यूम को दिखाते हैं, वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ऊपर जो हमारा रहता है वो प्राइस चार्ट रहता है। वॉल्यूम बार्स जो है वो प्राइस के नीचे प्लॉट किया जाता है और अपने रिस्पेक्टिव कैंडलस्टिक या फिर हैकेनाशी का वॉल्यूम बताता है। ये जो हाइट होती है वॉल्यूम की, यहाँ पे जो हम हाइट देख रहे हैं वॉल्यूम की, वो प्रोपोर्शनल होती है कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उस पर्टिकुलर कैंडल पे। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी हाइट भी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे वॉल्यूम बार की हाइट ज़्यादा रहेगी। अगर वॉल्यूम ट्रेडेड वॉल्यूम कम है उस पर्टिकुलर कैंडल में, तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम बार का जो हाइट है वो भी कम रहता है कंपैरेटिवली। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि किस कैंडल पे या किस दिन ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई है, या फिर कौन से पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में ज़्यादा बाइंग सेलिंग रही है। यहाँ पे आपको और एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि
आपको वॉल्यूम का पैटर्न देखने के लिए मिलता है एक पर्टिकुलर, जो कि वो दिन के स्टार्ट में और दिन के एंड में डेफिनेटली काफी ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक होता है, तो आपको ये चीज भी जानना काफी जरूरी है। अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ शेयर्स उस टाइम पे एक्सचेंज हुए हैं, तो आप उस वॉल्यूम बार पे अपना माउस ले जाएंगे अगर, तो आपको वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। मैं आपको ये प्रैक्टिकली काइट पे भी एक बार दिखा देना चाहूंगा। एक स्टॉक खोल लेते हैं जिसमें हमें वॉल्यूम का अंदाजा मिल जाए, ICICI बैंक ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे अगर अपना माउस रखता हूँ, तो इस बार में कितना एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी डिनोट किया हुआ है वॉल्यूम्स, बट अगर आप एग्जैक्ट फिगर चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। जो वॉल्यूम का कलर है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रेड एंड ग्रीन कलर, ये काफी ट्रेडर्स को पता नहीं होता है कि किस प्रकार से डिसाइड होता है वॉल्यूम का कलर। तो वॉल्यूम का कलर बताना बहुत ही इजी है। अगर कोई भी कैंडल अपने पिछले कैंडल के नीचे क्लोज हो रहा है तो वॉल्यूम का जो कलर है वो रेड होगा। आइए इसको भी एक बार हम कोशिश करते हैं चार्ट पे देखने का। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे है, तो ये जो वॉल्यूम बार बना हुआ है वो रेड कलर से बना हुआ है। कैंडल के कलर से कोई लेना देना नहीं है वॉल्यूम के कलर का। कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और वॉल्यूम रेड भी हो सकता है, जैसे कि आप इस कैंडल में देख पा रहे हैं जो इसका वॉल्यूम बार है वो रेड कलर का है, बट जो कैंडल है वो ग्रीन है। उसका इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो पिछले कैंडल से नीचे है, इस कारणवश यहां पे हमें लाल रंग देखने के लिए मिल रहा है। ये जो है वो लिस्ट ऑफ कुछ पॉपुलर वॉल्यूम इंडिकेटर्स है। सबसे पहला इंडिकेटर जो आप देख पा रहे हैं वो है VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एक इंडिकेटर देखने में तो बिल्कुल ही मूविंग एवरेज की तरह लगता है, बट उसमें वॉल्यूम भी इंक्लूडेड होता है, मतलब कि वो प्राइस मूव जिसमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम इन्वॉल्व है, कोई पर्टिकुलर कैंडल जिसमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो उस कैंडल का वेटेज कैलकुलेशन में बढ़ जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है उन कैंडल्स को जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा है। सो इससे क्या होता है कि सिग्निफिकेंट मूव, जो इंपॉर्टेंट मूव्स हैं, ज़रूरी मूव्स हैं, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाता है। ये जो है इंडिकेटर VWAP वो सिर्फ इंट्राडे में आप प्लॉट कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम, मंथली या फिर वीकली पे आपको वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज इंडिकेटर नहीं मिलेगा। आप उसे प्लॉट भी करेंगे तो आपको वो नहीं दिखेगा। ये ही एक लौता स्पेशल इंडिकेटर है जो सिर्फ इंट्राडे में प्लॉट होता है और हायर टाइम फ्रेम्स पे नहीं प्लॉट होता है। ये जो इंडिकेटर है वो काफी ज्यादा बेंचमार्क की तरह यूज होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के द्वारा। सो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं कि VWAP प्राइस को जो है एज अ रेफरेंस लेके अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर जो प्राइस अभी चल रही है वो अपने VWAP प्राइस के नीचे है तो ये माना जाता है कि वो स्टॉक फिलहाल चीप है। अगर जो अभी प्राइस है वो अपने VWAP या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ऊपर चल रही है तो ये माना जाता है कि वो अभी फिलहाल एक्सपेंसिव है, ओवर प्राइज्ड है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। सो ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो काफी सिंपल सा इंडिकेटर है। अगर आप या चाहे तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम वॉल्यूम को यहां से प्लॉट कर सकते हैं। ऑन बैलेंस वॉल्यूम क्या करता है कि जो रेड जो भी क्लोजिंग ऊपर हुई है पिछले क्लोजिंग से, मान लीजिए यहाँ पे आप वॉल्यूम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने भी ग्रीन बार्स हैं उनको ऐड किया जाएगा, जितने भी रेड बार्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इस तरह से हमारा बनता है वॉल्यूम इंडिकेटर, OBV इंडिकेटर। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे तो ग्रीन जो वॉल्यूम्स है वो ज़्यादा है, तो उस पीरियड में जो है OBV आपका ऊपर जाएगा। जब रेड कैंडल्स में ज्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिलती है, जैसा कि हम इस पीरियड में देख पा रहे हैं, तो OBV जो है वो नीचे नीचे की तरफ जाने लगेगा।
आप जो हैं ओबीवी को डाइवर्जेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं, आई मीन डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं आप ओबीवी में, काफी अच्छे से काम करता है। अगर आप डाइवर्जेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे पिछले वेबिनार के वीडियोस जरूर देखने चाहिए, वो हमारे और जीरोधा के ऑफिशियल चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेटर है वो है मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स इंडिकेटर जो है वो बिल्कुल ही आरएसआई की तरह दिखता है और उसका कैलकुलेशन भी काफी सिमिलर है। इतना डिफरेंस है कि मनी फ्लो इंडेक्स में वॉल्यूम भी कंसिडरेशन में आता है, और मनी फ्लो इंडेक्स जो है आपको सिमिलरली ओवर एंड ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरियाज आपको दिखाता है, सिमिलरली जैसे कि आरएसआई आपको बताता है। ये देखिए काफी कुछ आरएसआई की तरह ही दिखता है, बट इसमें वॉल्यूम भी इंक्लूडेड होता है और काफी ट्रेडर्स इसे वॉल्यूम वेटेड आरएसआई की तरह भी जानते हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम यूज होता है। इसका फॉर्मूला काफी सिमिलर है आरएसआई से और ये दिखने में भी काफी सिमिलर है आरएसआई के। सो ये जो रीजन है उसे हम कहते हैं ओवरसोल्ड रीजन, और ये ऊपर वाला रीजन जो है उसे ओवरबॉट कहा जाता है। जब स्टॉक काफी ज्यादा बुलिश रह चुका है और मे बी अब उसका गिरने का टाइम आता है जब, तो उसे कहते हैं ओवरबॉट कंडीशन। जब काफी ज्यादा बाइंग हो चुकी है ऑलरेडी स्टॉक में और काफी ज्यादा सेलिंग होने के कारण जो स्टॉक्स जो हैं वो ओवर सोल्ड रीजन में आ जाते हैं। स्कैनिंग इंट्राडे बुलिश स्टॉक्स विद वीवैप। तो हमने इंडिकेटर तो हमने समझ लिए, वॉल्यूम समझ लिया, वॉल्यूम बार समझ लिए, वॉल्यूम को क्यों पढ़ना चाहिए हमें वो भी हमने समझ लिया, बट अभी वॉल्यूम्स को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है ट्रेडिंग के लिए वो हम चल के आगे देखेंगे। सो आइए सबसे पहले हम एक स्कैनर बनाएंगे जिसमें वीवैप का इस्तेमाल हो रहा है। ये स्कैनर में दो अलग अलग टाइम फ्रेम भी यूज हो रहे हैं, तो आपको एक साथ वीवैप और मल्टी टाइम फ्रेम दोनों का नॉलेज मिल जाएगा इस स्कैनर को बनाते वक्त। इस स्कैनर में क्या हो रहा है कि आवरली टाइम फ्रेम पे हम चेक कर रहे हैं कि जो कंडीशन है, जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है आवरली टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो क्लोज प्राइस है उसका वीवैप के ऊपर है, जो डिनोट करता है कि उसमें पॉजिटिव ट्रेंड इस टाइम पे चल रहा है। सो आइए हम इसे स्ट्रीक पे जाके बना के प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से इसे बनाना है हमें। स्ट्रीक को यूज करने के लिए आप टाइप करेंगे streak.zerodha.com और अपने काइट के ही लॉगिन आईडी और यूजर आईडी को यूज करके आप लॉगिन करेंगे स्ट्रीक पे। स्कैनर बनाने के लिए आप क्रिएट स्कैनर में जाएंगे। जैसा कि हमने देखा था कि हम 5 मिनट का यूज करने वाले हैं स्कैनर में और 1 आवर टाइम फ्रेम का। निफ्टी 500 हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे कैंडलस्टिक ही रहने देते हैं। क्लोज जो कि क्लोज प्राइस है 5 मिनट कैंडल का हायर देन वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और दूसरा जो हमारा कंडीशन है पीरियड मीन, यहां पे हम डालेंगे 5, यहां पे हम डालेंगे मल्टी टाइम फ्रेम आवर, और यहां पे हम डालेंगे एडीएक्स। एडीएक्स हम क्यों डाल रहे हैं क्योंकि जैसा कि हमने कहा 1 आवर पे हम ट्रेंड चेक करना चाहते हैं कि बुलिश ट्रेंड में है, तो एडीएक्स हमें ये जानने में हेल्प करता है कि इस टाइम पे ट्रेंड कैसा चल रहा है। यहां पे हम डालेंगे माइनस, फिर हम डालेंगे मल्टी टाइम फ्रेम 1 आवर, और यहां पे हम ले लेंगे फिर से एडीएक्स डालेंगे, और यहां पे ऑफसेट हम डालेंगे -1। तो ये जो कंडीशन है वो चेक कर रहा है कि एडीएक्स जो है लगातार राइज कर रहा है, लगातार ऐसे ऊपर की तरह जा रहा है एडीएक्स। एडीएक्स जब ऊपर जा रहा होता है इसका मतलब ये है कि स्टॉक में काफी अच्छा ट्रेंड डेवलप हो रहा है। यहां पे हम डालेंगे एंड मल्टी टाइम फ्रेम आवर,
क्लोज हायर देन मल्टी टाइम फ्रेम 1 आवर सुपर ट्रेंड। सो इस कंडीशन में हमने एक एडिशनल बुलिश कंडीशन डाल दिया है ताकि दो दो एक तो हमें ट्रेंड बता रहा है, ये भी बुलिशनेस बता रहा है, बट ये 5 मिनट में बुलिशनेस बता रहा है। एडीएक्स जो है वो आपको सिर्फ बताता है ट्रेंड है या नहीं, डायरेक्शन नहीं बताता है। इस कारण के लिए हमने आवरली पे सुपर ट्रेंड भी यूज किया है। यहां पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने 2 बार मल्टी टाइम फ्रेम यूज किया है, बट अगर आप चाहें तो आप इसी के अंदर जाके माइनस लगा के और एक एडीएक्स ऐड कर सकते थे, बट फॉर सिंप्लिसिटी सिंपल दिखे आपको इस कारण से मैंने 2 बार मल्टी टाइम फ्रेम को यूज कर लिया है। मल्टी टाइम फ्रेम बेसिकली तब यूज आता है जब आप कोई और हायर टाइम फ्रेम का इंडिकेटर आप यूज करना चाहते हैं। आइए इसको नाम देते हैं एक बार, मल्टी टाइम फ्रेम बुलिश वीवैप। स्कैन कर लेते हैं इसको। नो स्टॉक्स मैचिंग, ओके मे बी हमने ओके यहां पे हम ऐड करना भूल गए। यहां पे आपको डालना है हायर देन नंबर 0। सो ये जब तक हायर देन 0 नहीं रहेगा तब तक ये कंडीशन कंप्लीट नहीं रहेगी। ध्यान से आप इसे देख के याद रखें, यहां पे हायर देन 0 डालना बहुत ही जरूरी है। ओके तो हमारे पास ये काफी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। आइए हम कुछ चार्ट्स जाके चेक कर लेते हैं। अदानी पोर्ट्स का हम चार्ट सबसे पहले चेक करेंगे। बाकी सारे जो इंडिकेटर्स हैं हम फिलहाल यहां से निकाल देते हैं और वीवैप को रखेंगे सिर्फ 5 मिनट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हायर टाइम फ्रेम पे जो है वीवैप काम नहीं करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वीवैप लगा हुआ है और टाइम फ्रेम डेली है तो वीवैप आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानना ये ज़रूरी है आपके लिए कि वीवैप सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में दिखता है जिसमें आप वॉल्यूम भी देख पा रहे हैं। जैसे कि अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स, तो उसमें वॉल्यूम नहीं रहता है तो आप उसमें वीवैप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ये 5 मिनट का चार्ट है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वीवैप जो है उसके ऊपर है, वीवैप के ऊपर चल रही है अभी प्राइस और यहाँ पे हमें थोड़ा सा बुलिशनेस देखने के लिए मिल रहा है 5 मिनट पे। अगर मैं इसे 1 आवर पे चेंज कर दूँ तो आप देखेंगे कि 1 आवर पे बुलिश ट्रेंड डेवलप हुआ है। सो यहाँ पे हमने 2 टाइम फ्रेम कवर कर लिए हैं, एक 1 आवर और एक 5 मिनट एक ही स्ट्रैटेजी में। इस प्रकार से आप मल्टी टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं और आपको पता लग गया कि वीवैप को भी किस तरह से यूज़ करना है। चल करके एक और स्टॉक का एग्जाम्पल लेके उसका भी चार्ट देख लिया जाए। भारतीय एयरटेल का चार्ट हम खोल के देख लेते हैं कि उसमें किस तरह का ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो भारतीय एयरटेल में भी जैसे कि आप देखेंगे 5 मिनट्स में वीवैप के काफी ऊपर चल रही है प्राइस, और अगर 1 आवर में देखने जाए हम लोग तो 1 आवर में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं वीवैप का। और अगर आप चाहें तो इसी स्कैनर में काफ़ी सारे और कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पर्टिकुलर कोई भी सेगमेंट में जाके, अगर आपको सिर्फ NFO स्टॉक इक्विटीज़ देखनी है फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले, तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं इंडाइसिस को, MCX, CDS या फिर कोई भी अपनी पसंद का जो भी सेक्टर आप चाहें उन पर स्कैनर चला सकते हैं। आप अगर चाहें तो इस स्कैनर को लाइव भी रख सकते हैं। लाइव रखने पे क्या होगा कि पीरियोडिकली जो भी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलर्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे, सपोज 1 मिनट या फिर 5 मिनट, तो उतने टाइम में हर 5 मिनट्स में ये स्कैनर जो है अपने आप रन होगा और आपको रिजल्ट्स का अलर्ट भेजता रहेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड कंफर्मेशन यूजिंग वॉल्यूम। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम वॉल्यूम को ट्रेंड कंफर्मेशन, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं।
तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके थोड़ी देर देख लें, इसको काफी अच्छे से समझ लें, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं या फिर क्विकली नोट डाउन भी कर सकते हैं, बट आपको ये जो टेबल है वो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है आपके फ्यूचर में। तो डेफिनेटली आप इस ट्रेडर इस टेबल को जरूर नोट डाउन करके रखिए। जो जो भी ट्रेंड है, अगर हाई वॉल्यूम्स उसे सपोर्ट कर रही है तो माना जाता है कि ये स्ट्रांग ट्रेंड है। और इसका भी कारण हमने पहले डिस्कस किया था। हाई वॉल्यूम कब आती है? जब मास पार्टिसिपेशन रहता है, जब बहुत सारे लोग उस ट्रेंड को कंफर्म कर रहे हैं, उसी ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कोई स्मार्ट मनी, कोई बिग मनी, जैसे कि कोई बड़ा म्यूचुअल फंड या फिर कोई फंड हाउस जो है उस स्टॉक में इंटरेस्टेड है, तभी जाके उसमें हाई वॉल्यूम्स आते हैं एक पर्टिकुलर डे या फिर पर्टिकुलर डेज में। ठीक है, तो आइए हम इस टेबल को कैसे इंटरप्रेट करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो भी एक बार जान लें क्विकली। सो ये जो कॉलम है आपको बता देता है कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, ये आपको बताता है कि वॉल्यूम का ट्रेंड क्या है, और ये आपको बताता है कि इसका मतलब क्या है। सो सिंपल है, अगर प्राइस का ट्रेंड अप है, प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि स्ट्रांग ट्रेंड है। मतलब कि प्राइस बढ़ भी रही है तभी भी वॉल्यूम ड्राई नहीं हो रहे हैं, लोग कम नहीं हो रहे हैं या फिर बाइंग ऑर्डर्स कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते प्राइस के साथ भी बाइंग ऑर्डर जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। दैट मीन्स डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और प्राइजेस के आगे कंटिन्यू करने का काफी ज्यादा चांस है कि वो प्राइस जो है ऊपर ही कंटिन्यू करती रहे। दूसरा जो कंडीशन है जिसमें प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा है प्राइस का, वॉल्यूम जो है वो नीचे जा रहा है, दैट मीन्स कि हायर प्राइजेस के साथ जो है बाय ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, या फिर वीक हैंड्स उन्हें बाय कर रहे हैं, या फिर कोई स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज हायर प्राइजेस पे बाइंग हो ही नहीं पा रही है ठीक से, काफी कम बाइंग ऑर्डर्स हैं या फिर बाइंग इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। दैट मीन्स वो जो ट्रेंड है वो एक वीक ट्रेंड है और उसे उस ट्रेंड का रिवर्स होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं या फिर ट्रेंड ब्रेक हो सकता है। सेकेंड जो है वो है प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। सो इस केस में क्या है कि प्राइस जितना भी नीचे जा रहा है बाइंग ऑर्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ज्यादा आई मीन सेलिंग बढ़ती जा रही है, नीचे भी सस्ते में भी लोग बेचने के लिए रेडी हैं। ये आप अपने कॉमन डे टू डे लाइफ से भी काफी रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई चीज ज्यादा से ज्यादा सस्ते में, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट में बार बार बिक रही है, दैट मीन्स उसकी डिमांड काफी कम है। सेम चीज स्टॉक्स में भी अप्लाई होती है, अगर स्टॉक लगातार गिरते जा रहे हैं बट वॉल्यूम्स भी बढ़ते जा रही हैं उसके साथ साथ, दैट मीन्स कोई भी प्राइस पे लोग सेल करने के लिए तैयार हैं, लोग वेट नहीं कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा प्राइस मिले फिर ही वो सेल करें। और ये बताता है आपको कि जो डाउन ट्रेंड है इस टाइम पे काफी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। जो हमारा फोर्थ एंड आखिरी कंडीशन है, इसमें जो है प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे जा रही है बट वॉल्यूम्स भी नीचे जा रही है, दैट मीन्स लोअर लेवल्स पे जो है वो ज्यादा सेलर्स नहीं है, प्राइजेस कम होते जैसे जा रहे हैं, तो लोग विलिंग नहीं, जो लोग हैं वो बेचना नहीं चाहते हैं सस्ते में उस स्टॉक को। और ये दर्शाता है कि इस टाइम जो ट्रेंड है वो काफी वीक है, वीक डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस टाइम पे आपको पॉजिटिविटी के लिए देखना चाहिए, पॉजिटिव न्यूज के लिए देखना चाहिए, पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए देखना चाहिए। सो ये एक, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप कुछ टाइम लेके प्रॉस करके इसे काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप इस सब को इजीली याद रखना चाहें तो सिंपल है, जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में वॉल्यूम भी जा रहा है, दैट मीन्स वो ट्रेंड स्ट्रांग है प्राइस का। अगर प्राइस किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, वॉल्यूम किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स वो जो ट्रेंड है प्राइस का वो वीक ट्रेंड है। ये दो आप अगर सिंपल रूल याद रखते हैं तो आपको इस टेबल को भी रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जो स्कैनर बनाने वाले हैं वो हमारे प्रीवियस थ्योरी पे ही बेस्ड है। हम देखेंगे कि ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए, कैसे ढूंढे उन स्टॉक्स को जिसमें बुलिश ट्रेंड है और प्राइजेज ऊपर जा रही हैं बट जो वॉल्यूम है वो लगातार नीचे जा रहा है।
सो आइए इसको भी हम चल के स्ट्रीक पे बना लेते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि इन स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। क्रिएट न्यू करेंगे हम यहाँ पे, निफ्टी 500 ले लेते हैं फिर से ताकि ज़्यादा स्टॉक्स पे हम स्कैन कर पाएँ। इस बार हम डेली टाइम फ्रेम लेंगे और यहाँ पे कैंडलस्टिक रहने देंगे। आपको यहाँ पे टाइप करना है पीरियड मीन 5 ईएमए क्लोज 20 माइनस ईएमए 20 क्लोज, यहां पे हम कर देंगे -1। इसका मतलब यह है कि अभी वाला ईएमए माइनस पिछले वाला ईएमए जो है वो हायर देन 0 होना चाहिए। तो हायर देन 0 कब होगा? जब अभी वाला ईएमए का वैल्यू पिछले वाले ईएमए वैल्यू से ज्यादा है, मतलब ईएमए ऊपर की तरफ गया है। और इसी प्रोसेस को हम 5 बार रिपीट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 डाला है ताकि हमें 5 लास्ट 5 कैंडल्स में दिख जाए कि ईएमए जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। जो हमारा सेकेंड कंडीशन होगा वो पीरियड मैक्स यूज करके बनेगा। पीरियड मैक्स यहां पे हम डालेंगे 5। इस बार जो है हम मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम यूज करेंगे, वॉल्यूम का मूविंग एवरेज पीरियड 20। यहां पे हम एक्सपोनेंशियल लगा देंगे माइनस मूविंग एवरेज वॉल्यूम, यहां पे -1 होगा और पीरियड सेम रहेगा, यहां पे हम एक्सपोनेंशियल कर देंगे इसे। और यहां पे हम डालेंगे लोअर देन 0। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर यूज किया था उसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर रहे हैं। जो अभी वाला वॉल्यूम मूविंग एवरेज है, अगर पिछले वाले वॉल्यूम मूविंग एवरेज से कम है, यानी कि अभी अगर 99 है, पहले 100 था, दैट मीन्स 99 माइनस 100 इज -1 विच इज लोअर देन 0। सो इससे हमें पता चलता है कि जो मूविंग एवरेज वॉल्यूम है वो गिर रहा है। वॉल्यूम एंड ट्रेंड कंफर्मेशन आप इसे कुछ भी नाम देके बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो ये जो है आपके रिजल्ट्स आपके सामने है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम चार्ट देख लेते हैं, डिविस लैब्स को ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे जो हमने पहले यूज किया हुआ था 1 डे कर देंगे, और पहले यूज किए हुए इंडिकेटर्स को हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम डालते हैं मूविंग वॉल्यूम, पहले ऐड कर लेते हैं वॉल्यूम चार्ट एंड, और ऊपर से हम वॉल्यूम पे लगाएंगे मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को यहाँ पे आप टाइप करेंगे 50 एक्सपोनेंशियल, आई थिंक 20 हमने यूज़ किया है, सो यहाँ पे हम 20 डाल देते हैं, सॉरी अब हम वॉल्यूम का भी मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप डालेंगे वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल 20। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है फॉल कर रहा है, गिर रहा है, और प्राइस का मूविंग एवरेज है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है वॉल्यूम डाउन हुआ है, वॉल्यूम गिरा हुआ है, जबकि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ट्रेंड जो है वो वीक हो रही है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वीकनेस भी देखने के लिए मिल रहा है। इस टाइम पे आप दूसरे कन्फर्मेशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न्स। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे एक डोजी बना हुआ है, यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ डोजी बना हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। सो इस तरह से आपको यूज करना है वॉल्यूम को। आइए हम अपने प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो अब जो है हम एक स्ट्रैटेजी भी बना के देखेंगे,
जो हमने अभी स्कैनर बनाया था वो बेसिकली राइजिंग वॉल्यूम ट्रेंड और फॉलिंग, आई मीन राइजिंग प्राइस ट्रेंड और फॉलिंग वॉल्यूम के लिए बनाया था। सिमिलरली हम इसी कंडीशन के लिए एक स्ट्रैटेजी भी बना के देखते हैं कि स्ट्रैटेजी भी आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं और लाइव मार्केट में भी कैसे यूज कर सकते हैं उन स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए। ये जो हमने स्कैन किया था इसी में से कुछ स्टॉक्स हम चुन लेते हैं और उन्हीं स्टॉक्स पे हम स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे। ओके, ऑरो फार्मा हम ले लेते हैं और कुछ पॉपुलर स्टॉक्स को ले लेते हैं, डिविज लैब्स। RVNL, स्पार्क को ले लेते हैं, स्टार सीमेंट ले लेते हैं, ज्योति लैब्स ले लेते हैं, स्टॉक को ले लेते हैं। आई थिंक काफी रहेंगे इतने स्टॉक्स, हम इतने स्टॉक से स्ट्रैटेजी बेसिकली बना ही लेंगे। सो आइए स्ट्रैटेजी को बना लेते हैं हम। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे क्रिएट बास्केट करके उस बास्केट को भी यूज कर सकते हैं स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए, या डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे क्रिएट स्ट्रैटेजी पे क्लिक करके डायरेक्टली स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। बट लेट अस गो राइट नाउ, एक बास्केट ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको बास्केट के बारे में भी सीखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं इसका बास्केट बना लूंगा यहाँ पे और इस बास्केट को एक नाम दे देते हैं, फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइस। बास्केट को सेव कर दिया है मैंने। स्ट्रैटेजी में क्रिएट स्ट्रैटेजी करेंगे। ओके, यहाँ पे टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं 5 मिनट्स। यहाँ पे क्वांटिटी हम डाल देते हैं 100। आप कोई भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी डाल सकते हैं। सिंस हमने वीक बुलिश ट्रेंड के लिए स्टॉक्स को स्कैन किया था, हम यहाँ पे सेल लगाएंगे, सेल कंडीशन का यूज करेंगे। आपको यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज सिंपल टू क्लोज। यहाँ पे मैं असिस्ट को यूज ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हम अपना खुद का कंडीशन डालना चाहते हैं। सॉरी, हायर देन आप डालेंगे मूविंग एवरेज, पीरियड यहाँ पे टू रहेगा, क्लोज। और यहाँ पे हम सिंपल ही रखेंगे, यहाँ पे बस -1 कर देंगे। इसका मतलब जो है कि 2 पीरियड का वॉल्यूम एवरेज है, सिंपल वॉल्यूम एवरेज, पिछले वॉल्यूम मूविंग एवरेज पिछले एवरेज से ज़्यादा है। ये डिनोट करता है कि प्राइजेस ऊपर जा रही हैं। मूविंग एवरेज यहाँ पे फिर से 2, सिंपल ऑफसेट -1 जो है हायर देन अगेन मूविंग एवरेज 2, सिंपल -2 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम डालेंगे मूविंग एवरेज -2 20, सॉरी वॉल्यूम का आ गया है मूविंग एवरेज, यहाँ वॉल्यूम नहीं, हमें अभी भी प्राइस का ही यूज़ करना है। मूविंग एवरेज 20 टू -2 हायर देन मूविंग एवरेज -3 सिंपल 2। ओके, अब हमने 3 कैंडल पे चेक कर लिया है कि 3 कैंडल से जो मूविंग एवरेज 2 है लगातार ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स प्राइस भी ऊपर जा रही है। यहाँ पे हम डालेंगे अब वॉल्यूम कंडीशंस। अब वॉल्यूम को हमें नीचे जाते हुए दिखाना है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज 2 सिंपल 0 लोअर देन मूविंग एवरेज वॉल्यूम 2 सिंपल -1। पिछले मूविंग एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे और पिछले को उसके पहले वाले से अब कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 डालेंगे लोअर देन मूविंग एवरेज वॉल्यूम माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने -1 लिया है तो यहाँ भी हम -1 लेंगे लोअर देन -2
एंड लास्ट कंडीशन हमें ऐड करनी है मूविंग एवरेज वॉल्यूम सिंपल 2 माइनस 2 लोअर देन मूविंग एवरेज, यहां पे हम -3 डालेंगे सिंपल, यहां पे हम 2 डालेंगे। ओके सो हमने कंडीशन बना ली है कि 3 कैंडल से प्राइस ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम जो है वॉल्यूम एवरेज जो है वो नीचे आ रहा है। यहां पे हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डाल देते हैं 1 एंड 2%। और जो चार्ट को है हम हेकेनाशी चार्ट यूज करेंगे, हेकेनाशी चार्ट जो है वो फर्दर स्मूदन कर देता है प्राइस डेटा को, उससे जो है ये राइजिंग राइजिंग कंडीशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से बन पाएगी। यहाँ पे हमने अपना बास्केट बनाया था राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग प्राइस। ओके सो लेट अस बैक टेस्ट, इसको नाम देते हैं और बैक टेस्ट कर लेते हैं, रिजल्ट देखते हैं। बैक टेस्ट के दौरान अगर आप पैरामीटर्स चेक करना चाहते हैं, आपने क्या क्या डाला है, स्टॉप लॉस कौन से टाइम फ्रेम पे चला रहे हैं, कौन से डेट से कौन से डेट पे बैक टेस्ट रन कर रहे हैं, या फिर एंट्री और एग्जिट टाइम आपकी क्या है, तो आप इजीली यहाँ पे पैरामीटर्स पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक टेस्ट के रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो है हमें रिटर्न्स बताता है कि कितने रिटर्न्स जनरेट हुए हैं इतने पीरियड में, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आप देख सकते हैं, विन्स कितने थे, लॉसेस कितने थे, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक एंड मैक्स ड्रॉडाउन। ओके सो ये जो है बैक टेस्ट रिजल्ट आपके सामने है, आप अगर डिटेल्स में देखना चाहें तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ब्रोकरेज भी आप इजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ब्रोकरेज अप्लाई करने से क्या होता है कि आपका जो ब्रोकरेज इंक्लूडेड जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला जो हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं उसमें भी हम वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, जैसे कि हमने देखा था कि वॉल्यूम को ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके सो यहां पे हम देखेंगे कि प्रीवियस डे का जो हाई है वो ब्रेक हो रहा है एंड वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी जो है वो हायर है। ओके वॉल्यूम भी ज्यादा है और प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट हो रहा है, उस केस में हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के हिसाब से हम सेल कर देंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है ये 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट पे बनाई गई है, तो आइए इस स्ट्रैटेजी को भी बना के हम देख लेते हैं स्ट्रीक पे किस तरह से बनाना है, सीख लेते हैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज किस तरह से बनाना है। आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट भी बना सकते हैं, प्रीवियस डे का भी ब्रेकआउट बना सकते हैं या प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट, आप इस टाइप की काफी सारी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकते हैं। बट एज एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे आज प्रीवियस डे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है उस ब्रेकआउट को। ओके हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है बेसिकली, क्लोज क्रॉसेस अबव, यहां पे हम डालेंगे प्रीवियस एंड -1 डे हाई। ओके एंड वॉल्यूम जो है हायर देन मूविंग एवरेज 50 सिंपल वॉल्यूम का, मूविंग एवरेज वॉल्यूम यहां पे हम 50 लेंगे सिंपल और वॉल्यूम। ओके इतना सिंपल सा कंडीशन है, यहां पे हम बता रहे हैं कि प्रीवियस डे का जो 1 आवर कैंडल है प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दे एंड उस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज वॉल्यूम, मूविंग एवरेज वॉल्यूम मैंने आपको चार्ट पे दिखाया नहीं है फिलहाल, तो मैं आपको एक बार चार्ट पे आई थिंक हम देख चुके हैं, यस पिछले स्ट्रैटेजी में ही हमने देख लिया था कि किस तरह से मूविंग एवरेज वॉल्यूम को प्लॉट करना है। ओके यहाँ पे ये जो है ये ऑटो सेक्टर में हम एक बार ऑटो स्टॉक्स को ले लेते हैं और उस पर बैक टेस्ट करके देखेंगे पर्टिकुलरली ऑटो स्टॉक्स पे किस तरह से परफॉर्म कर रहा है ये स्ट्रैटेजी। ओके प्रीवियस डे हाई लिख देते हैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे नाम को चूज कर सकते हैं। ऑलराइट आइए इसे बैक टेस्ट करके देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं।
सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने बताया था ओके कैपिटल टू लो दिखा रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे जो है क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा डाली थी, 1000 क्वांटिटी। सो आपको कैपिटल का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो है वर्चुअल कैपिटल है। कभी भी आपको इस प्रकार का एरर आ रहा है कि कैपिटल ज़्यादा लो हो गया है, इतने कैपिटल में नहीं हो पाएगा सारा ट्रेड, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो है बैक टेस्ट के टाइम हम लोग लेवरेज को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हैं, तो कभी कभार रेयरली ये प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि ये स्टॉक काफ़ी महंगा भी है आइशर मोटर्स का, जिस कारण से हमें ये एरर आया था। ओके सो ये है, इस तरह से आप प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट बना सकते हैं, उसके साथ साथ वॉल्यूम कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर डिटेल्स में जाके देखना चाहते हैं बैक टेस्ट को, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे सारा कुछ, सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पीरियड रिटर्न्स भी, ये भी मैं काफ़ी नोटवर्दी चीज़ है। पीरियड रिटर्न इसका -28% है इस पीरियड में, इतने बैक टेस्ट पीरियड में लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक ने -28% दिया है। बट स्ट्रैटेजी ने है जो बाई स्ट्रैटेजी है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ट्रेंड के, वो 90% रिटर्न जनरेट किया है, 19%। यहाँ पे भी सिमिलरली हमें यही चीज़ देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा बेरिश था इस पीरियड में स्टॉक, फिर भी इस बाय स्ट्रैटेजी को यूज़ करके इस बैक टेस्ट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें हमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं, बट कुछ में हमें काफ़ी डिसेंट रिसेंट रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सो इस वेबिनार को हम कंक्लूड करेंगे अब यहीं। हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आज डिस्कस की है, काफ़ी चीज़ें सीखी है, स्कैन कैसे करना है, वॉल्यूम कंडीशन को लेके स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है। तो आइए इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार कंक्लूड कर दें इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे। वॉल्यूम जो है मेजर करता है अमाउंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। अगर कोई एक स्टॉक कोई किसी को बेच रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम जो है एक से बढ़ेगा। वॉल्यूम हाई वॉल्यूम जो है वो इंडिकेट करता है मास पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट ऑफ स्मार्ट मनी। हाई वॉल्यूम तभी पॉसिबल है जब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स एक साथ एक ही स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, मे बी किसी न्यूज़ के कारण, या फिर कोई फंड हाउस, या फिर कोई म्यूचुअल फंड, या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट इसी टाइप का जो है उस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसमें बाइंग या सेलिंग कर रहा है। वॉल्यूम इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं डीपर एनालिसिस के लिए वॉल्यूम डेटा पे। वॉल्यूम जो है वो ट्रेंड और ब्रेकआउट्स को कंफर्म करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रैटेजी भी हमने बनाई थी इसके लिए और स्कैनर्स भी बनाए थे वॉल्यूम्स को यूज़ करके। बेसिकली सेम पॉइंट है, काफ़ी सारे स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं अपने ट्रेडिंग को और बेहतर बनाने के लिए। आप सभी का हमारे साथ अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको फिर भी कोई और डाउट या फिर क्वेश्चन रह गया है, तो आप ज़रूर हमें हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech पे बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव है या फिर आप चाहते हैं कि हम किन्हीं और टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियो बनाएं, आपको नॉलेज दें किन्हीं और टॉपिक के बारे में भी, तो वो भी मुझे और हमारी टीम को डेफिनेटली लिख के बताएं। आप हमारे ट्विटर हैंडल पे जाके हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम काफ़ी सारे वेबिनार के अपडेट्स या फिर कोई और अनाउंसमेंट होता है तो रेगुलरली हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। हम और भी काफ़ी सारे एजुकेशनल कंटेंट हमने पहले डाले हैं और आगे भी जाके डालते रहेंगे जीरोधा और स्ट्रीक के चैनल पे, तो आप इन दोनों चैनल्स को भी जाके इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं प्लेटफॉर्म पे, स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट डेमो भी कर सकते हैं। आप जब लॉग इन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन काफ़ी शुभ हो। अगली बार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।